नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बीते 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर अब नेता के अवतार में उतरने की तैयारी में है। वहीं क्रिकेटर कॉमेडियन से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में किनारे लगे हुए हैं और अपनी भूमिका की तलाश में है। इन दोनों का जिक्र यहां एक साथ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही नई पारी खेलने जा रहे हैं और इनके साथ आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण में अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में शुरू नगर निगम का बुलडोजर आज शाहीन बाग तक पहुंच गया। शाहीन बाग में आज सुबह भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया। इस बीच शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका पर सुनवाई के लिए भी इनकार कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा का बढ़ता खतरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पहेली में धकेलने को तैयार है। यूक्रेन में युद्ध से घटती आपूर्ति से प्रभावित देशों को गेहूं भेजना जारी रखे या फिर उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए घर पर इसका भंडारण करे। भीषण गर्मी ने दक्षिण एशियाई देशों में गेहूं की पैदावार को नुकसान पहुंचाया है, जिससे सरकार को निर्यात प्रतिबंधों पर विचार करना पड़ा है। व्हाट्सएप पर नए फीचर पर काम कर रहा है जिसे कैंपेनियन मोड नाम दिया गया है। ये कुछ हद तक मल्टी डिवाइस फीचर जैसा है, लेकिन खास बात यह है कि इसके जरिए आप एक सेकेंडरी डिवाइस को प्राइमरी फोन की तरह जोड़ सकते हैं। यानी आप आसान भाषा में समझे तो आप एक व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ दो स्मार्टफोन पर चला पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी महागठबंधन में घुसने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका गठबंधन केवल 130 करोड़ भारतीयों के साथ होगा। आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता का दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने अपने पास आए सभी लोगों की शिकायत भी सुनी और तुरंत ही शिकायतों का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश भी दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्व और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान आसानी के 10 मई तक उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की संभावना है। ये उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट से पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि निकोबार द्वीप समूह से लगभग 610 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बंगाल की दक्षिणी पूर्वी खाड़ी के ऊपर रविवार शाम 5 बजे तक आसानी एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेट एयरवेज के नए प्रमोटर्स को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। इस तरह एयरलाइन के संचालन को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिसे वित्तीय बाधाओं के कारण 2019 में बंद कर दिया गया था। जालान कलरॉक कंसोर्टियम की तरफ से जेट एयरवेज का अधिग्रहण करने के बाद एयरलाइन ने गुरुवार को हैदराबाद से परीक्षण उड़ानें आयोजित की। एयरलाइन ने अपनी आखिरी उड़ान 17 अप्रैल 2019 को संचालित की थी, जब नरेश गोयल के पास इसका स्वामित्व था। पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं सोमवार सुबह व्यस्त समय के दौरान तकनीकी खामी आने के कारण बाधित हुई, जिससे कई यात्री ट्रेनों से उतर गए और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए पटरियों पर पैदल चल पड़े। पश्चिमी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5:50 पर दहीसर और बोरीवली के बीच में बिजली का तार टूट जाने के कारण ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा है कि वो खुद इंडिगो एयरलाइंस की उस घटना की जांच करेंगे, जिसमें शनिवार को रांची हवाई अड्डे पर अपने माता पिता के साथ एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोक दिया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस तरह के व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस नीति और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ समय से भारत में महंगी परफॉर्मेंस बाइक्स की बिक्री में इजाफा देखा जा रहा है। एक समय वो था जब हाई परफॉर्मेंस बाइक्स सेगमेंट में सिर्फ कुछ ही मॉडल्स बिक्री के लिए उपलब्ध रहते थे, लेकिन अब इस सेगमेंट में बदलाव आया है। कई टू व्हीलर्स कंपनियां इस सेगमेंट में अपने नए मॉडल्स उतार चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। फिल्म में अक्षय कुमार और पूर्व ब्यूटी क्वीन मानुषी छिल्लर मुख्य किरदार में नजर आने वाली है। अब सोमवार को पृथ्वीराज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर की शुरुआत में अक्षय कुमार का सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में अपने अदम्य साहस और पराक्रम से युद्ध के मैदान में दुश्मन पर वार कर रहे हैं। मुंबई पुलिस द्वारा विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द करने की जानकारी मिली है। इस पर मुंबई सत्र न्यायालय ने दोनों को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। बीते कुछ समय में आपने भी खबर सुनी होगी कि नदियों और समुद्र के प्लास्टिक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे सबसे अधिक प्रभावित समुद्री जीव और मछलियां हो रही है। कुछ समय पहले IPCC ने भी अपनी रिपोर्ट में चेताया था कि नदी और समुद्र में ऐसे ही प्लास्टिक बढ़ता रहा तो मछलियों के शरीर में भी प्लास्टिक की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ जाएगी। वहीं हाल ही में रिसर्च जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मछलियों की तादाद में भारी कमी आई है।
हाल ही में मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा है कि किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है, इसलिए न्याय जनता से जुड़ा हुआ है और जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को आमजन नहीं समझते, उनके लिए न्याय और राजकीय आदेश में फर्क नहीं होता। एक बड़ी आबादी के लिए न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है। पिछले दिनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय जनता से जुड़ा और जनता की भाषा में होना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी न्यायालयों में भारतीय भाषाओं का पक्ष ले चुके हैं। दरअसल आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी देश की जनता को उनकी भाषा में न्याय सुलभ न करा पाना पूरी व्यवस्था की विफलता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए और इसका दायित्व केंद्र सरकार राज्य सरकार उनके पास है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा समय की मांग है कि स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाया जाए जिससे ये सभी को मिल सके। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कोरोना महामारी की रोकथाम में सभी राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। चंद्रमा अरबों वर्षों से पृथ्वी के पानी की चोरी कर रहा है, ये बात सुनकर कुछ हैरानी होती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में इस तरह का दावा किया है। चंद्रमा पर इस समय पानी के मॉलिक्यूल और बर्फ मौजूद है। एक बड़ा सवाल यह है कि चंद्रमा पर पानी कहाँ से आया। एक नए अध्ययन के अनुसार हमारे ग्रह के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयन ने चंद्रमा की सतह पर 3500 घन किलोमीटर स्थायी तुषार भूमि या फिर सतह के नीचे तरल जल को उत्पन्न किया होगा। आज देश कई महान लोगों की जयंती मना रहा है। आज रविन्द्रनाथ टैगोर, गोखले और महाराणा प्रताप की जयंती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि उनके विचार और कार्य लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले और बहादुर मेवाड़ राजा महाराणा प्रताप को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। टैगोर को याद करते हुए मोदी ने कहा है कि मैं गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। विचार और कार्य में वो लाखों लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3207 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल के 7% कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही कोरोना से देश में मरने वालों की संख्या 5,24,093 पर पहुंच गई है। इस समय देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 20,403 है, जबकि 24 घंटे में 3410 लोग कोरोना से सही हुए हैं। अभी तक कुल 42,05,60,905 लोग कोरोना से सही हो चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं जमा करने वाले शिक्षा महाविद्यालयों को तगड़ा झटका दिया है। उसने छत्तीसगढ़ के 99 बीएड, डीएलएड और एमएड कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश पर रोक लगाने पर 0 एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया है। वहीं रिपोर्ट भेज चुकी 156 संस्थाओं की जांच होनी अभी बाकी है। इनमें भी किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में अगले हफ्ते वैश्विक खाद्य सुरक्षा और संकट के हालात पर चर्चा करने के लिए मंत्रिस्तरीय बैठक होने वाली है। इसमें यूक्रेन रूस युद्ध के चलते दुनिया के कई देश के सामने पैदा हुए खाद्यान्न संकट को दूर करने में भारत की पेशकश पर भी विचार किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से 18 मई को बुलाई गई इस बैठक में भारत भी हिस्सा लेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज से अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर रहेंगे। रविवार की देर रात वो गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, जहां उनका सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने स्वागत किया। सोमवार और मंगलवार अपनी यात्रा के दौरान गृहमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा मैदान में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय वायुसेना ने अपने SU-30 MKI लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 12 सबसे उन्नत वाले SU-30 MKI विमान के सौदे में थोड़ी देरी होगी। LIC के पब्लिक ऑफर में बैंकों और म्यूचुअल फंड सहित क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित शेयर भी सोमवार सुबह पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे इशू का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन दोगुना से ज्यादा हो गया है। दोपहर 12:12 पर स्टॉक एक्सचेंजों पर पोस्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार आरक्षित 3,95,31,236 के मुकाबले 4,61,62,185 बोलियां प्राप्त हुई हैं, जो 1.17 गुना दर्शाती है। गैर संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 1.38 गुना सब्सक्राइब हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर 6 समूहों के संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे, अर्थव्यवस्था के लिए पी चिदम्बरम, संगठन के लिए मुकुल वासनिक, समाज कल्याण के लिए सलमान खुर्शीद, कृषि के लिए भूपेंद्र हुड्डा और युवा और अधिकारिता के लिए अमरिंदर राजा वारिंग की बैठक हुई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की प्रबंध निदेशक पद्मजा चंद्रू को पानी देने के लिए सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा बटोर रही हैं। उन्होंने मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में भाषण के दौरान पानी ऑफर की घटना के वीडियो में चंद्रू को बीच बीच में पानी के लिए रुकते और इशारा करते हुए देखा जा सकता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंच पर चढ़ जाती हैं और चंद्रू को पानी की बोतल देती हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा है कि वो स्वयं इंडिगो एयरलाइंस की कथित घटना की जांच करेंगे। इंडिगो ने शनिवार को रांची हवाई अड्डे पर अपने माता पिता के साथ एक दिव्यांग किशोर बच्चे को विमान में चढ़ने से रोक दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इस तरह के व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एक ट्वीट में इस तरह के व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस बताया है। योगी सरकार ने एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों के 67 करोड़ की से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। कानपुर में बिकरू कांड के बाद विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। कानपुर की जिला अदालत ने विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति को अटैच करने का आदेश दिया था। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के खिलाफ भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। एलन मस्क की ट्विटर डील इन दोनों चर्चा में है। इसको लेकर बिल गेट्स ने एक बड़ी बात कह डाली है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ ने टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क के बारे में कहा है कि उनमें ट्विटर प्लेटफॉर्म को बर्बाद करने की पूरी क्षमताएं मौजूद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुणाल कुमार, ध्रुव कुमार, सर्वनेश्वर कुमार, उमेश ठाकुर, प्रिया यादव, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, जितेंद्र कुमार, मुकुल सिन्हा, धर्मेश पटेल, कॉलेज टॉपर साजिद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश के सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति अब तक ये कौन रहे? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।